हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ स्ट्रगल स्टोरीज। आज इस एपिसोड में हम जिन्हें आपसे मिलवाने वाले हैं वो एक एजुकेशनिस्ट हैं, बिजनेस वुमेन हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उन्होंने PhD किया है इंग्लिश लिटरेचर में सब्सिडी विद दलित लिटरेचर इन 2013। उन्हें अभी तक बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे कि भारत गौरव अवार्ड, राजीव गांधी एक्सलेंस अवार्ड और हिंद रत्न अवार्ड। शी इज द फाउंडर ऑफ नंदकृति वेलफेयर ट्रस्ट। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए हम सभी मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर नंदिता शर्मा जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है tegunity.com स्ट्रगल स्टोरीज में, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच दिव्या फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच मैम आपके आने के लिए, बिकॉज हमें पता है कि आपके पास टाइम नहीं होता है, यू हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स। तो मैम, पहला मेरा सवाल आपसे ये, एज यू होल्ड सो मैनी डिग्रीज, तो अपने उन डिग्रीज के बारे में थोड़ा हमें प्लीज़ बताइए। ओके, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसके बाद मेरी शादी हो गई। 1998 में मेरी शादी हो गई थी, लेकिन द स्पिरिट टू डू समथिंग नेवर डाइड। मैंने मास्टर्स में एनरोलमेंट लिया इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि इंग्लिश की तरफ मेरा एक अलग ही रुझान था। उसके बाद मैंने BEd किया जी। BEd के बाद करने के बाद मैं जॉब में आ गई थी। उसके बाद मैंने MEd किया। ओके, MEd के बाद मैंने एक कोर्स किया जो लिमिटेड था इंडिया में, दैट वाज ब्रॉट इन इंडिया बाय MIT बिजनेस स्कूल। ओके, इट इज़ कॉल्ड कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिप्लोमा फॉर टीचर्स एंड ट्रेनर्स जी। ये एक साल का कोर्स था, ये मैंने जॉब में साथ साथ रहते हुए इसे कम्प्लीट किया। आफ्टर दैट आई डिड माई MPhil इन इंग्लिश लिटरेचर अगेन, एंड उसके साथ साथ क्योंकि थोड़ा सा बिजनेस की तरफ मेरा रुझान बढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि अपने आप को इक्विप करने के लिए मैं MBA भी करती हूँ। तो मैंने सिम्बॉयसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग पुणे से मैंने MBA के लिए कोर्स के लिए एनरोल किया, जो कि 2 साल का कंप्लीट कोर्स है। ओके, एंड उसके बाद मैंने PhD की, जो इंग्लिश लिटरेचर में सब्सिडरी दलित लिटरेचर में है। ओके, सो मैम, इतने सारे आपने डिग्रीज होल्ड किए, तो एजुकेशन की तरफ आपका रुझान इतना ज़्यादा किस वजह से, कोई पर्टिकुलर रीज़न? देर इज़ नो रीज़न टू गेनिंग एजुकेशन। लर्निंग नेवर स्टॉप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात ये कि एजुकेशन एक ऐसी ट्रेजर, मुझे लगता है एक ऐसी नियति है इंसान के पास कि जो ना खो सकती है ना उसे डिस्ट्रॉय की जा सकती है। exactly. और इंसान इसके माध्यम से कई सारे रास्ते चुन सकता है। चुन सकता, एक अपने आप को एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाने के लिए आई थिंक एजुकेशन इज़ द वे, और एजुकेशन के थ्रू ही इंसान बढ़ सकता है। एग्जैक्टली, आई कम्प्लीटली एग्रीड, क्योंकि ऐसे हम लोग सोसाइटी में बहुत लोगों को देखते हैं कि एक डिग्री होल्ड कर लिया, अब उससे हमें जॉब मिल सकती है, तो लोगों की एजुकेशन वहीं ख़त्म हो जाती है, लोग उसके बारे में आगे सोचते ही नहीं है। तो आप ऐसा क्या मैसेज सभी को देना चाहेंगे कि उन्हें अपनी एजुकेशन कॉन्टिन्यू रखनी चाहिए, कि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपके पास उतना ज़्यादा धन इकट्ठा होता रहेगा? दिव्या, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा कि एक एजुकेशन आप लेते रहेंगे तो धन इकट्ठा होता रहेगा। धन इकट्ठा होता है, दिस इज़ वेरी नाइस। लेकिन ये कि आप एक तो जिस फील्ड में आप हैं जी, उसकी फील्ड स्पेसिफिक ही अगर आप कोई कोर्सेज करें या आगे आप अपने आप को इक्विप करने की कोशिश करें, तो इससे आपको कभी भी स्टैग्नेंसी महसूस नहीं होगी। आप अपने आप को अटका हुआ महसूस नहीं कर पाएंगे कि कहीं आपकी जॉब में प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, या प्रॉब्ली आप सोसाइटी को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है आपको। तो इसलिए मेरा ये मैसेज यूथ को ये है कि आप जो भी करें, चाहे किसी भी फील्ड में रहें, चाहे आप एजुकेशन फील्ड से ही जुड़े हों या किसी और फील्ड से जुड़े हों, तो आप अपनी सूझबूझ से और बड़ों की राय या गाइडेंस लेकर के उसमें आगे आप अपने कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। और एजुकेशन को अपनी कंप्लीट ज़रूर करें, एटलीस्ट इफ नॉट मच। एक इंसान को एक ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में जी। विदाउट दैट देर इज़ नथिंग पॉसिबल। आज आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस पड़ रही होगी, लेकिन आप आगे कुछ भी करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी खामी आपको ज़रूर महसूस होगी। So, इसलिए आपको एजुकेशन अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए। अच्छा मैम, एक सवाल मेरा और है आपसे कि आपने बहुत सारे डिग्रीज होल्ड किए, आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को भी सर्व किया होगा, तो कुछ उस इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताइए। दिव्या, आई नेवर स्टार्टेड एज अ टीचर। ओके, जब मैंने अपनी फर्स्ट जॉब की थी तो इट आई वॉज वर्किंग फॉर, उस टाइम पर इंडिया में कंप्यूटर सेंटर्स का बहुत बूम था, तो माई फर्स्ट जॉब वॉज एज अ काउंसलर इन अ कंप्यूटर सेंटर। ओके, लेकिन वो सिंस वो 2-3 साल मैंने उस सेक्टर में काम किया, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया,
लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था और मॉर्निंग 9 to 5 आप चले जाते थे तो थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होता था। तो उसके बाद ये थॉट आया कि वाई नॉट ट्राई अ स्कूल, जो कि एक गर्ल के लिए काफ़ी कन्वीनियंट है कि आप मॉर्निंग आवर्स में जाएंगे दोपहर में वापस आ जाएंगे। मैंने इस सोच के साथ स्कूल को ज्वाइन किया था। ओके। लेकिन स्कूल जो मैंने फर्स्ट ज्वाइन किया था दैट वाज रायन इंटरनेशनल, जो आज की डेट में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल मैम। 2 साल मैंने वहाँ जॉब किया और उसके बाद मेरी शादी हो गई। ओके। उस शादी के बाद फिर मैंने कुछ ब्रेक लिया 2-3 साल का, क्योंकि शादी के बाद मेरी जो इन लॉज की फैमिली थी वहाँ पे तब कोई लेडी वर्किंग नहीं थी, तो शायद ये एक फीलिंग था कि शायद लेडीज़ को वर्क नहीं करना चाहिए सिंस इट वाज़ अ बिजनेस फैमिली। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में ही रहता था कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए, एज अ वूमन आई एम एजुकेटेड एंड आई हैव टू डू समथिंग। एग्जैक्ट। सो मैंने फिर जब मेरी छोटी बड़ी वाली बेटी 1-2 साल की हो गई तो मैंने एक और स्कूल में अपना जॉब ट्राई किया। सो आई गॉट अ जॉब फॉर एज अ लाइब्रेरियन, आई डिड नॉट गेट अ जॉब एज अ टीचर टू स्टार्ट विद, क्योंकि तब मुझे लगा कि शायद मेरे पास एक एवेन्यू है दोबारा से वर्किंग मोड में आने के लिए, तो आई शुड एक्सेप्ट जॉब। लेकिन वो जॉब मेरा काफ़ी अच्छा रहा। 2 साल मैंने उत्तम्स स्कूल फॉर गर्ल्स में मैंने जॉब किया और 3 महीने लाइब्रेरी में रहने के बाद उस इंस्टीट्यूशन में मुझे इंग्लिश डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ गया। Great. और मुझे लगा कि शायद येस दिस इज़ द वे एंड आई विल हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। बीएड करते करते मैंने ये जॉब साथ में हासिल कर लिया था। उसके बाद क्योंकि ग्रोथ की इच्छा हर एक को होती है, सबको होती है, तो 2 साल के बाद मेरे फादर काफ़ी बीमार हो गए थे, तो उनकी वजह से थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया था जॉब में से 2-3 महीने का। तो उस दौरान फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी मैं फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल खाली हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। सो देन आई सेंट माई रिज्यूमे टू वन ऑफ द बिगेस्ट स्कूल्स हियर, TPSG। और वहाँ पे लकीली मेरा CV सिलेक्ट हो गया और उसमें पैनल इंटरव्यू होता है, तो उस पैनल को मैंने क्लियर कर लिया। ओके। फोर एंड अ हाफ ईयर्स आई वाज वर्किंग कंफर्टेबली विद DPSG, वर्किंग विद द टॉप मोस्ट स्कूल इन द सिटी एंड NCR एंड द कंट्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और जो डायनामिज्म वहाँ की प्रिंसिपल डॉक्टर रीटा कपूर में मुझे दिखता था जी, उससे मैं काफ़ी इंस्पायर होती थी। तो वो 4.5 years वर अगेन अ वेरी वेरी बिग रोल इन माई लाइफ। एंड उसके बाद फिर जब मेरी छोटी बेटी हुई तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगने लगा, स्कूलिंग आवर्स में थोड़ा दिक्कत होने लगा, सुबह टाइम से मैं पहुंच नहीं पाती थी, तो इसलिए मुझे वहाँ से थोड़ा सा जॉब चेंजिंग का मेरे मन में विचार आया। आई वॉज़ लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब, लेकिन मेरे पास ABSIT से एक फुल टाइम इंग्लिश टीचिंग के लिए ऑफ़र आया और वहाँ पे नाना करते हुए भी मुझे ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक ऑप्शन मुझे दे दिया था कि आप फॉर द इनिशियल 5-6 months आप 6 महीने तक जो है थोड़ा जल्दी आप वापस आ जाएँ जस्ट बिकॉज ऑफ द चाइल्ड। 3.5 years व्हेन आई वाज वर्किंग देयर एंड आई वाज स्टार्टेड परस्यूइंग माय PhD, लेकिन मैं और लोगों को देखती थी कि बहुत जैसे क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बढ़ते थे और देर वॉज नो ग्रोथ फर्दर ग्रोथ एंड देर वॉज ऑलवेज द फीलिंग दैट यू शुड वर्क विद द बेस्ट। सो वहाँ से फिर मुझे लगा कि मुझे शायद और भी अभी आई हैव अ फर्दर जर्नी। सो मैंने वहाँ से फिर काइट में अप्लाई किया तो मेरा वहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया एंड फॉर 4.5 years वहाँ पे जॉब करने के बाद मुझे लगा कि शायद जॉब अब मेरे लिए काफ़ी हो गया है, आई नीड टू स्टार्ट माई ओन इंस्टीट्यूशन। दैट्स ग्रेट। सो आफ्टर वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, सो इट वॉज ऑलमोस्ट मोर देन 19.5 years दैट हैड गिवन टू एजुकेशन इंडस्ट्री बाय देन। और मुझे मैं बहुत लकी अपने आप को इसलिए महसूस करती हूँ कि शायद मैंने हर लेवल के बच्चे को पढ़ाया है, फ्रॉम अ प्राइमरी टू इंजीनियरिंग। सो आई हैव दैट ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ 23 years नाउ दैट आई हैव बीन टीचिंग सो मेनी स्टूडेंट्स, और इतना प्यार इतना रिस्पेक्ट मुझे जो इस प्रोफेशन ने दिया है वो शायद ही। दैट इज़ रियली इंस्पायरिंग मैम। मैं एक्चुअली सभी बच्चों के मन में होता ही है कि जब स्कूलिंग में हम लोग होते हैं तो टीचर्स से एक फियर रहता है। आई थिंक आपसे कोई बच्चा नहीं डरता होगा। एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव डराना नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। एग्जैक्टली। वी आर नॉट द टीचर्स ऑन द सेज, वो कहते हैं ना अ सेज ऑन द स्टेज, सो आई एम नॉट अ सेज ऑन द स्टेज। एग्जैक्टली। आई वर्क मोर लाइक अ फैसिलिटेटर, आई वर्क मोर लाइक अ मेंटर। एक बच्चे को जो इमोशनली उसके जो मोराल को बढ़ाने की ज़रूरत है आज की डेट में कुछ अचीव करने के लिए, करेक्ट, वो रोल शायद मैं प्ले करती हूँ।
और इसी वजह से शायद बच्चे मेरे साथ काफ़ी जुड़े रहते हैं. सो दिस इज़ द होल वे. और एक इंस्पिरेशन की बात अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो एक वर्कशॉप हुआ था जब मैं DPSG में जॉब करती थी. तो देयर वाज़ अ कर्नल त्रिपाठी जो दून स्कूल के प्रिंसिपल खुद रह चुके. तो वो यही कहते थे कि आप बच्चे को आवाज़ ऊँची करके कभी भी बच्चे को नहीं समझा पाएंगे. आप अपने उस बच्चे से आराम से बात करके उसके व्यू पॉइंट को समझ करके एक बेस्ट सोल्यूशन अगर आप देंगे. सो आई थिंक दैट इज़ वेयर यू कैन विन द बैटल. Correct. और वही फॉलो करते करते आज मेरे साथ बहुत बच्चे जुड़े हैं. अगर आप मेरे फेसबुक के पेज को देखेंगे तो अगर 4,000 मेरे साथ फॉलोअर्स हैं तो उसमें से मिनिमम 3,000 तो मेरे स्टूडेंट्स ही. सो दिस इज़ द अचीवमेंट दैट आई सी इन दिस प्रोफेशन. और ये बहुत ही खूबसूरत प्रोफेशन है और लाइफ को एक लाइफ चेंजिंग प्रोफेशन जिसको मैं सो मच इंस्पायरिंग. क्वेश्चन इज कि जैसे आपने बताया आपने काफ़ी लंबा समय सर्विसिंग में दिया, आपने जॉब्स किए एंड व्हेन ऑल ऑफ सडन यू स्विच टू एंटरप्रेन्योरशिप, इसके पीछे रीज़न क्या था मैम? एंटरप्रेन्योरशिप मुझे लगता है कि तब शुरू होती है कि जब आपको लगता है कि आपको समाज को कुछ नया देना है और वो आप जॉब में रह के नहीं कर पा रहे हैं, वो सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल पा रहा है. एंटरप्रेन्योरशिप एक एंटरप्रेनर बनने का सपना मेरा भी था और उस सपने को शायद मैंने जो जन्म देना शुरू किया था वो अपनी जॉब में रहते रहते. जब मैं ABS में थी मैं तब भी इस बारे में सोचती थी. जब मैंने MBA का कोर्स किया था तो मैंने अपने आप को इसीलिए इक्विप किया था कि आगे जाके शायद मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगी. ओके. सो लेकिन उस टाइम पे आप जॉब एक बड़ी कंफर्टेबल जगह होती है कि जहाँ से आपको लगता है कि हाँ हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी आ जाती है और देन यू हैव योर फर्दर एक्सपेंसेस टू मेक और ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं. तो आपके अंदर एक वो कन्विक्शन नहीं आ पाता है कि आप किस तरीके से इस चीज़ को छोड़ेंगे और आप आगे बढ़ेंगे. लेकिन जब मैंने ABS से काइट में स्विच किया तो मुझे मेरे अंदर से एक धीरे धीरे अपने आप ही विश्वास बढ़ता चला गया कि नहीं, अब मेरे ख्याल से टाइम आ चुका है कि अब मुझे जॉब छोड़ करके कुछ नया करना है. आई थिंक आई हैव मोर पोटेंशियल. सो जब मैंने अपने अंदर ये चीज़ रियलाइज़ की कि हाँ मेरे अंदर एक पोटेंशियल जाग चुका है या एक नई चीज़ आ गई है, तो मैंने औरों के ना चाहते हुए भी मैंने जॉब को छोड़ा, क्विट किया और वहाँ से अपना, क्योंकि स्कूल बनाने का मेरा सपना काफ़ी टाइम से था. क्योंकि मेरी आपने जर्नी देखी है कि मैंने बचपन से लेके सारे इंजीनियरिंग लेवल तक के बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि फाउंडेशनल वीकनेसेस रह गई हैं जिसकी वजह से बच्चे कहीं ना कहीं कोपअप नहीं कर पा रहे. तो मैंने यही सोचा कि आई विल स्टार्ट अ स्कूल जो एक फाउंडेशन पे रहेगा. ब्लूम्सबेरी की शुरुआत वहीं से हुई है एंड ब्लूम्सबेरी इज़ बिन अ ड्रीम स्कूल फॉर मैनी चिल्ड्रन. मेरे यहाँ से काफ़ी बच्चे यहाँ से अभी बड़े स्कूलों में जा चुके हैं पढ़ करके और उनके फाउंडेशंस ऐसे हैं कि अगर आप यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं एंड इफ़ यू अपियर फॉर 10 अदर इंटरव्यूज यू विल बी एबल टू क्लियर इट. सो देर इज़ बिन अ लॉट ऑफ चेंज इन द एजुकेशन सेक्टर. जिस तरीके की एजुकेशन हम लोगों ने गेन की है वो शायद आज हम बच्चों को नहीं दे पाते हैं. क्योंकि बहुत सारे इम्प्लीकेशन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रेशर्स हैं स्कूल्स में बच्चों को सब कुछ करा देने के. एंड वो जो सब कुछ करा देने के चक्कर में बच्चा जो है वो कन्फ्यूज रहता है कि मुझे करना क्या है, मैं क्या करने चला था और मैं कहाँ पहुँचा हूँ. सो देर हैज़ टू बी अ बैलेंस. सो हियर एट ब्लूम्सबेरी वी हैव ट्राइड टू स्ट्राइक दैट बैलेंस कि एकेडमिकली बच्चे को कितनी ज़रूरत है और साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ की कितनी ज़रूरत है एंड हाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ rather than making them two separate venues for a child to cope up with. तो वो integration ने काफ़ी अच्छा बच्चों को काम किया है. तो हमारे यहाँ पर academics के साथ साथ जो भी chapters में activities होती हैं वो तो होती ही हैं, साथ में जितने भी festivals हैं, important days हैं, important things which they should need to know, या भी कोई ऐसे कोई events जो हमारे शहर में हो रहे हैं city specific, उसमें हम बच्चों को participate कराते हैं. Okay. जिससे कि एटलीस्ट बच्चों को एक फ्रेमवर्क मिल जाए. राइट. सो दिस जर्नी हैज़ बीन वेरी वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज 5 साल मुझे स्कूल को रन करते हुए भी हो गए हैं. Okay. और 5 साल में एक मैंने नया एक्सपीरियंस लिया है कि एक एज एन एम्प्लॉई आई वॉज वेरी डिफरेंट एंड एज एन एंटरप्रेन्योर आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन बिकॉज योर चैलेंजेस आर टोटली डिफरेंट. एग्जैक्टली. वो हो जाता है ना बिकॉज जब हम जॉब में होते हैं तो हम अपने कम्फर्ट जोन में होते हैं. एब्सोल्युटली. जब हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचते हैं या फिर जब हम एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं तो डेली एक नए
प्रॉब्लम्स अपना हेड रेज करने लगते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, यू आर द वन हु इज द वॉरियर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट एंड फाइटिंग अगेंस्ट इट, और उसको सॉल्व करने की कोशिश आप खुद कर रहे हैं। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर सिस्टम, यू आर क्रिएटिंग दैट सिस्टम। सो ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है एंटरप्रेन्योरशिप की, और आप इसमें बहुत एनर्जी आपकी जाती है, लेकिन साथ में आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आगे से अगर ऐसी कोई दिक्कत होगी तो आई विल बी एबल टू हैंडल इट। एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू बी। या That's really nice. You answered it so well. Thank you. So ma'am, आपकी ये जो entrepreneurial journey है, ये seriously बहुत ज़्यादा inspiring है, because आपका जो never give up attitude है, वो आपको कहाँ से कहाँ ले जा रहा है, और आगे I hope आप बहुत सारे achievements gain करने वाले हैं, और आप करेंगे भी। So मेरा next question ये है कि हमने सुना है कि आपका एक trust है, Nandkriti Welfare Trust, उसमें आप basically women empowerment पर focus करते हैं, तो ट्रस्ट के बारे में और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। दिव्या, जब मैंने ये ट्रस्ट शुरू किया था तो तब मैंने मेरा फोकस था कि मैं जो अपना स्कूल शुरू करूँगी वो ट्रस्ट के अंडर में शुरू करूँगी, बिकॉज आई हैड टेकन अप ओनली वन ऑब्जेक्टिव एज एजुकेशन टू बी माई मेन ऑब्जेक्टिव फॉर दिस ट्रस्ट। लेकिन जब ये ट्रस्ट मैंने शुरू किया तो मुझे इसकी पॉसिबिलिटीज़ और इसकी रीच समझ में आई, और मुझे लगा कि शायद मैं इस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से मैं खाली एजुकेशन के लिए नहीं, मैं बहुत लोगों के लिए काम कर सकती हूँ। सो तब वहाँ से मुझे महसूस हुआ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो और चीज़ों के लिए तो काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के उत्थान के लिए शायद ही कोई काम कर रहा है जो एक्चुअली काम कर रहा है actually. फिर मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती कि जिसमें वो एक पॉलिटिकल व्यू दिखे। एक ऐसा संस्थान जहाँ पे एक महिला आने में कंफर्टेबल फील करे और कुछ मेरे से गेन करके जाए। ओके, जो मेरी कॉम्पिटेंस है वो शायद अगर मैं आगे किसी महिला को पास ऑन कर सकूँ, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। सो दो तीन चीज़ें मैंने इस ट्रस्ट में शुरू करी। एजुकेशन को थोड़ा सा हायर बनाने के लिए मैंने, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक प्राइमरी स्कूल रन करते हैं और एजुकेशन की नीड अभी बहुत है, बहुत देयर आर सो मेनी पीपल हु आर अनएजुकेटेड। तो मैंने एक सीसीएस यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके बीएड कोर्स की भी स्थापना की है, जो सिर्फ विमेन के लिए है, जो विमेन ही मेरे यहाँ से करके जाती हैं। सेकेंडली, व्हेन आई थॉट ऑफ द अदर साइड ऑफ द सोसाइटी, कि जहाँ पे आजकल बच्चे बहुत यूथ जो है वो ग्लैमर की तरफ इंस्पायर्ड है, या कुछ मीडिया में कुछ करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, मूवीज़ में जाना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये देखा गया है कि उनकी स्ट्रगल के दौरान वो कहीं ना कहीं या तो गुमराह हो गए हैं या उनको कहीं ना कहीं उनको जो सही दिशा है वो नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि मैं अपने ट्रस्ट के अंडर में मैं दो पैजेंट्स शुरू करूँगी, मिस इंडिया एंड मिसेज इंडिया। मिस इंडिया इंटरनेशनल स्टाइल आइकॉन एंड मिसेज इंडिया इंटरनेशनल स्टाइल आइकॉन। इसके माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा कि जहाँ पे मैं उनसे कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करूँगी, उनकी जो बेसिक उनका जो ग्रूमिंग का खर्चा है दैट वी विल चार्ज, और वहाँ से मैं इन लेडीज़ को शोकेस करूँगी जिससे कि दे गेट द राइट डायरेक्शन टू अ पर्टिकुलर फील्ड। That's really nice. So, ये दो pageants मैंने शुरू किए। इसके अलावा, क्योंकि सिंस मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर इस ट्रस्ट में काम करते हैं, तो उन्होंने एक अवार्ड शो शुरू किया है, हीरोज नेक्स्ट डोर, जिसके बारे में शायद मेरे हस्बैंड ने आपको बताया भी होगा। तो एक ऐसा ज़मीनी इंसानों को अवार्ड करने का प्लेटफॉर्म है जो वाकई ही सोसाइटी में कुछ ना कुछ बड़ा करने की सोचते हैं और करते भी हैं, लेकिन उनकी सराहना कहीं नहीं हो पाती। सो हमने सिर्फ वो प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया है कि जो हमारे आसपास या हमारे कंट्री के ऐसे लोग जो समाज में रहते हुए भी हीरो हैं, उनको हम एक सम्मान का स्टेज देंगे। सो ये हमने एक ट्रस्ट में हीरोज नेक्स्ट डोर मूवमेंट स्टार्ट करी है, और जो अब मैं करने जा रही हूँ, क्योंकि सिंस आई एम ऑल्सो वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड देयर थाउजेंड्स नाउ, सो मैं उन महिलाओं को भी अपने प्लेटफॉर्म पे लाके सम्मानित करूँगी, जिसके लिए आई विल बी डूइंग वन अवार्ड शो फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एक्सक्लूसिवली। सो दिस इज़ वेयर फ्रॉम नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग फॉर दैट एंड वी आर स्टार्टिंग दैट। रियली नाइस। एक पॉलिटिकल इसको संस्था ना बना कर क्यों, और सिर्फ एक फोकस ये लेकर के कि मुझे सरकार से कोई ग्रांट लेना है, मैंने इसको एक डिफरेंट दिशा दी है, अपने एनजीओ को एक अलग तरीके से काम किया है। और कई सारे ऐसे कॉलेज के बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं जिनको इंटर्नशिप्स करनी होती हैं, वो मेरे पास आते हैं
और उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप्स कराते हैं, जैसे कि दे ऑल्सो गेट अ फील अबाउट एनजीओ कि एनजीओ फंक्शन कैसे करता है और उसमें क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं. सो ये एक बहुत अच्छी जर्नी मेरे लिए और भी है. ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है. एंड ये टोटली जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसे एग्जैक्टली जिस तरीके से काम करना चाहिए, जिस तरीके से काम करना चाहिए, ये उसी तरीके से काम कर रहा है. वी माइट बी स्लो बट वी आर स्टडी. सो एक स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. यस दैट्स नाइस. और मैं यहाँ एक गांधी जी का कोट मैं शेयर करना चाहूँगी कि विद लर्निंग यू कैन शेक द वर्ल्ड. एग्जैक्टली. सो आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ज़िंदगी में सीखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं काम आने वाली है और दुनिया को हिला देने वाली है. करेक्ट. लेकिन सीखने के लिए आपको तत्पर रहना होगा. तत्पर रहना पड़ेगा और एक अपने अंदर एक विश्वास के साथ रहना पड़ेगा. जैसे आपने अभी एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी है कि बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इस दौरान एंटरप्रेन्योरशिप को हासिल करने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन को पीछे छोड़ पीछे छोड़ देते हैं. हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए. अपने एजुकेशन को भी साथ में रखिए क्योंकि एजुकेशन ही चीज़ है जो आपको आपके एंटरप्रेन्योरशिप के फेलियर्स से बचाएगी. हाँ एग्जैक्टली. सो दिस इज़ एवरी डे इज़ नॉट अ डे ऑफ सक्सेस. ईच डे कैनॉट बी अ डे ऑफ सक्सेस क्योंकि हमारी ज़िंदगी ऐसी है कि जहाँ पे हमें अपने ठोकरों से भी सीखना है और अपने सक्सेसेस से भी सीखना है. सो ये अगर हम एजुकेटेड नहीं होंगे तो शायद हम लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं रह पाएंगे. सो मैम एक सवाल ना यहाँ पे ये रेज़ हो रहा है मेरे दिमाग में कि बहुत सारे लोग हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन विद ड्यू रीजंस कुछ हर्डल्स की वजह से वो बहुत जल्दी क्विट कर जाते हैं. आपके सामने भी ऐसा बहुत कुछ आया होगा. तो ऐसा क्या रहा आपके लिए इंस्पायरिंग या फिर क्या आपकी इंस्पिरेशनल थी इस चीज़ के अंदर कि जो आपको इतना आगे तक लेके आई है? इट इज़ नॉट बीन अ वेरी साउंड जर्नी. मैं 5 साल से अगर अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप में देखती हूँ, एज एन एंटरप्रेन्योर देखती हूँ, तो इट हैज़ अगेन नॉट बीन अ वेरी सक्सेसफुल स्टोरी फॉर मी ऑल द टाइम. लेकिन हमारे सक्सेसेस कैसे होते हैं कि अगर एक छोटा सा हमने अचीवमेंट एक दिन में किया है तो वो आज की मेरी सक्सेस है. कल को वो अगेन इट कैन इवन टर्न इन टू अ फेलियर बिकॉज ऑफ अदर रीजन्स. लेकिन ये है कि आपको अपने अंदर एक इतना विश्वास सबसे पहले तो ये रखना है कि हाँ शायद अगर मैंने ये कुछ स्टार्ट किया है तो इसका मैं अंजाम देने के काबिल हूँ या नहीं हूँ, या मैं मेरे मन में इस चीज़ को आगे तक ले जाने की इच्छा है या नहीं है. राइट. सपोर्ट सिस्टम अपने आप बन जाता है जब आप थोड़ा सा अपने अंदर विश्वास रखेंगे और आपके आसपास के लोगों में एक टीम की जो भावना है उसको बना करके रखेंगे. तो वो जब तक आप नहीं कर पाएंगे, आप अकेले कुछ नहीं हासिल कर सकते. इंडिविजुअली देयर हैज नेवर बीन एनीबॉडी हु हैज रीच्ड. अगर आज आप मुकेश अंबानी जी को भी देखेंगे तो ही हैज अ ह्यूज टीम बिहाइंड हिम हु इज मेकिंग हिम टू बी अ मुकेश अंबानी टुडे. सो देयर हैज टू बी सम सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आप अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें, अपनी टीम को ऑर्गेनाइज रखें, अपने फाइनेंसेस को नियंत्रण में रखें क्योंकि हर चीज़ को अगर आप लैविश नहीं करेंगे तो वो कभी भी पे नहीं होगा. क्राइसिस सब जगह आते हैं. सो यू शुड नो हाउ टू बेयर दोज क्राइसिस एंड क्राइसिस मैनेजमेंट आना चाहिए. उसके अलावा जो है आपको जो सबसे बड़ी चीज़ हेल्प करती है वो आपका फेथ इन द सुपर पावर. एग्जैक्टली. क्योंकि मैंने मिरेकल्स होते हुए देखे हैं. कभी कभी मुझे भी बहुत हताशा होती है कि मेरा कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है. प्रॉब्ली हम लोग आगे उस रास्ते पे जिस पे चलना चाहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. लेकिन कहीं ना कहीं से वो अंदर से अपने आप स्ट्रेंथ आ जाती है. शायद भगवान उस स्ट्रेंथ को दे देते हैं कि नहीं, यू हैव टू डू इट एंड यू हैव टू मूव अहेड एंड यू हैव टू कम्प्लीट इट. सो दिस इज़ वेयर आई थिंक आई वुड लाइक टू गिव अ मैसेज टू एवरीबडी कि क्विटर्स तो बहुत हैं लेकिन किसी चीज़ को अपनी हार में भी अगर जो जीत ढूंढेगा, आई थिंक वो आगे बढ़ता चला जाए. एग्जैक्टली. सो मैम जैसे अभी हमने एजुकेशन के बारे में बात की, हमारे बहुत सारे ऑडियंस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे अक्सर लोग ऐसा सुनते हैं और कहते हैं कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आए हैं यहाँ पे तो एजुकेशन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता. अगर आपने 10th या 12th की है देन यू कैन ऑल्सो डू नेटवर्क मार्केटिंग और आप अच्छे से मिलियनेयर बिलियनेयर बन सकते हैं. जहाँ तक अभी मुझे समझ में आया है आपकी बातों से कि एजुकेशन तो सच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको प्लीज़ थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए सभी ऑडियंस के लिए. ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है और बच्चे बहुत जल्दी अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर की तरह देखने लगते हैं. लेकिन मैं साथ के साथ ये भी कहना चाहूँगी कि एजुकेशन उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका नेटवर्क मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट है. अगर आज आप एक नेटवर्क मार्केटिंग करके कुछ अच्छे पैसे कमा लेते हैं तो ये एक आज की बात है. कल को आप अगर इस चीज़ को आगे तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे फिर आप किस चीज़ पे फॉल बैक करेंगे? सो
फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट एजुकेशन इज नेवर गोइंग एनीवेयर. आप कुछ भी कर सकते हैं, आप एक नया एवेन्यू आप अपने एजुकेशन के माध्यम से ढूंढ सकते हैं, राइट. लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन आई विल से, लेकिन एजुकेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है इसके लिए क्योंकि आप अगर एज अ यूथ अभी आप अपने प्लेटफॉर्म से एक नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, कल को आपको 100 क्लाइंटेल के साथ भी जुड़ना है, हाउ विल यू प्रेजेंट योर सेल्फ? कोई भी नहीं चाहेगा कि एक बच्चे के साथ है, एक अनएजुकेटेड इंसान के साथ जुड़ना. फर्स्ट ऑफ ऑल हैविंग दैट कन्विक्शन कि आप मेरे लिए एक मार्केटिंग अगर करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो आपके अंदर भी इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप मेरे ब्रांड को प्रमोट कर सकें, आप मेरे किसी वेंचर को आगे आप ले जा सकें. सो अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक खामी है क्योंकि आपके पास वो एक्सपोजर नहीं है. एंड एजुकेशन गिव्स यू दैट एवेन्यू, एजुकेशन गिव्स यू दैट एक्सपोजर, एजुकेशन आपको नए रास्ते खोजने के एक थिंकिंग पावर देता है. सो वो अगर आपके पास पावर नहीं है, सो आई डोंट थिंक दैट यू विल बी सक्सेसफुल इन द लॉन्ग रन. सो अकॉर्डिंग टू यू मैम, कि अगर आपको चाहिए कि आपका नेटवर्क वर्ल्ड वाइड फैले और आप दुनिया भर में अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर सकें, तो एजुकेशन हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि आज आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप ट्वेल्थ कर रहे हैं या फिर आप ग्रेजुएशन हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं, आप अपनी एजुकेशन को हमेशा कंटिन्यू रखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस दिव्या फॉर दैट. आप अपना बिजनेस भी रखिए और साथ में एजुकेशन को कंटिन्यू करिए. एग्जैक्टली मैम, आपकी जो ये स्ट्रगल स्टोरी है वो सच में बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है क्योंकि आपने जो अपने एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट से जो कुछ सीखा और जिस हिसाब से आप आगे बढ़ते चले गए, अपने लिए खुद रास्ते खोलते चले गए, वो सच में बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग था. आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू. आपने जो एंटरप्रेन्योरशिप और एजुकेशन की महत्वता बताई है हमें, वो सच में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है. थैंक यू सो मच. थैंक यू दिव्या फॉर ब्रिंगिंग मी हियर. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आकर के. और जो टेक्निटी समाज के लिए कर रहा है, जो आपने अलग अलग फील्ड से लोगों को जोड़ करके एक लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस क्रिएट किया है जिससे कि वो सीखें और अपनी गलतियों को सुधार सकें, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है और इसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ और आई होप दिस कंटिन्यूज फॉर एवर. तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम. सो हम जल्द फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज के साथ. मैं दिव्या विद नंदिता मैम. टिल देन गुड बाय. जय हिंद. जय हिंद.